हमारे कोई दूर डिंडर बाहर क्या दो जी भैया जिलाधिकारी से तो बात नहीं हुई है, ये अभी एसपी साहब आए थे। मैं लिख के नहीं, उसको मना करके रिपोर्ट भेजिए, इनको करिए सब क्लियर हो, ये इनको भी जितना करना है ये भी अपने आप में रहे, और हम लोग इतना जो है भैया समय भी हमारे पास। मैं राजनीति नहीं बना रहा हूं, एनुअल फंक्शन का तो कभी कोई व्यवधान नहीं रहा है और ना होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी परमिशन हम ले चुके हैं, ठीक है, मांगे हैं वो अलग। माइक की परमिशन होगी उसमें ही हम कर रहे हैं, कल सुबह आज भी नहीं लग रहा सर, ये कैसे ये बताएंगे कि कितना आप करिए कितना छोटा करिए। कल के कार्यक्रम को लेकर के देख रहे हैं टकराव की स्थिति बनी हुई है, प्रशासन जो है अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें वो भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है अगर छात्रों की अगर इसमें सहमति नहीं है तो हमारा भी सपोर्ट नहीं है, क्या कहेंगे कल, लग रहा है जो सपा के लोग हैं उनको उनका कहना है कि अखिलेश यादव जी आएंगे, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? हम हर तरीके पर उनका विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो छासंग महामंत्री जो समय स्वयं हूँ उसकी ही परमिशन नहीं लेगी, उससे अनुमति नहीं लेगी, और आपने छासंग को सपा का कार्यालय बना दिया, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे, जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी कतरा है हम इसको सपा का कार्यालय किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है, मगर जो व्यक्ति यहाँ पर राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर आ रहा है उसको खुद समझना चाहिए, वो इतने बड़े पद पर हैं लेकिन इतनी छोटी राजनीति कर रहे हैं कि कुंभ जैसा यहाँ पर महाआयोजन चला उसमें आप इस यहाँ पर रोटी सेकने आए हैं, राजनीतिक रोटी सेकने आ रहे हैं, उस समय मुझे लगता है कि मानवीयता नैतिकता के खिलाफ नैतिकता के आधार पर आपको केवल आना चाहिए, यहाँ संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा के और यहाँ माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर आपको जाना चाहिए, यहाँ कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेकना चाहिए, और आप यहाँ पर छात्रों के साथ खून बहाने का काम कर रहे हैं, कल पुलिस हो सकती है हमारे ऊपर लाठीचार्ज करे, कल हो सकता है किसी का सर फटे, तो ये आपका लोकतंत्र है, तो क्या आप लोग विरोध करेंगे अगर लाठीचार्ज होती है कुछ होता है ऐसा? हम हर तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मेरे खून में रक्त की एक भी बूंद जब तक संभव है तब तक उनका विरोध होगा, और अपने जीते जी उनको मैं छासंग भवन पर नहीं आने दूंगा। परिचय, मैं शिवम सिंह छासंग महामंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिलेश यादव जी को लेकर के और आप लोग अनशन भी कर रहे हैं, कल अखिलेश यादव का कार्यक्रम है, कार्यक्रम को लेकर के क्या रहेगा, कल क्या कार्यक्रम होने देंगे आप लोग? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रत्येक आम छात्र किसी भी हाल में अखिलेश यादव का कार्यक्रम यहाँ नहीं होने देगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ जिस प्रकार हमारा एक भाई जो आत्महत्या कर लेता है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला, और कल के दिन जब उसकी तेरही है उसके दिन ये वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम रख रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है, उनके अंदर संविदा समाप्त हो चुकी है,
जिस प्रकार अभी अखिलेश यादव कुछ घंटों पहले एक पोस्ट भी डालते हैं कि जिला प्रशासन और भाजपा के लोग मुझे किसी भी हाल में नहीं रोक पाएंगे, वो अब चेतावनी दे रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को कि मैं किसी भी हाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आऊँगा और अराजकता का माहौल फैलाऊंगा। तो मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ पर किसी भी हाल में एक आम छात्र, प्रत्येक यहाँ का छात्र अखिलेश यादव को आने नहीं देगा। और जिस प्रकार कल उनके समाजवादी गुंडों ने हम लोगों के ऊपर बम बरसाया, गोलियां चलवाईं और यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, अगर वह सोच रहे हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो इलाहाबाद का छात्र उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा। अच्छा, स्थानीय प्रशासन और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है इनको लेकर के क्या रणनीति है? देखिए, क्या लगता है कि परमिशन मिलेगा? स्थानीय प्रशासन, हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की स्थिति वो अभी तक हमको स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अगर वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर देते तो हम लोग जाहिर सी बात है अनशन तोड़ देते, लेकिन अभी तक दोनों लोगों से हमें किसी से भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि हम अपना अनशन तोड़ दें, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन भी बातों को टाल रहा है कि जिला प्रशासन जैसे चाहे वैसे करे, और जिला प्रशासन उनके ऊपर टाल रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जैसे चाहे वैसे करे। तो यहाँ उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कोई हमें यह क्लियर नहीं कर रहा, किसी का क्लियर स्टैंड नहीं है। लेकिन हमारा क्लियर स्टैंड है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक छात्र संघ प्राचीर पर अखिलेश यादव किसी भी प्रकार नहीं आ पाएंगे। परिचय, सौरभ सिंह मंटी, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कल के कार्यक्रम को लेकर के अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और एक टकराव की स्थिति नजर आ रही है, क्या कहेंगी? क्या कार्यक्रम रद्द हो रहा है या कार्यक्रम होगा? देखिए, कोई टकराव की स्थिति नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का युवा और विशेषकर उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा करता है, और जिस तरीके से जुमलों की सरकार ने पूरे 5 साल केंद्र में रहते हुए और 2 साल जब से उत्तर प्रदेश में आई है छात्रों और युवाओं को सिर्फ डंडे और लाठियां दी हैं और पेपर लीकेज की सरकार दी है, उत्तर प्रदेश का युवा पूरी तरीके से ऊब चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और जहाँ तक रही विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की बात, तो विश्वविद्यालय में आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों का भगवाकरण करना चाहती है और वहाँ पे सिर्फ अपनी भगवा विचारधारा को लागू करना चाहती है, जिसके चलते वो किसी भी अन्य विचारधारा के कार्यक्रमों पे, होने वाले कार्यक्रमों पे रोक लगाने का प्रयास करती है। और उसी के तहत कल वो फिर से प्रयास कर रही है, यहाँ पे छात्रों का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन और वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम को विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष तय करता है, जिसे उदय प्रकाश यादव जी ने तय किया है। कार्यक्रम अपने नियमानुसार और अपने समय अनुसार होगा, कोई टकराव की स्थिति नहीं है, बशर्ते योगी आदित्यनाथ जी के दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन कैंपस का भगवाकरण करने पर उतारू ना हो जाए। अगर वो उन्होंने ये करने का प्रयास किया तो छात्र उसको इस बात का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। जो लोग धरने पे बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? देखिए ये लोग संघ के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस ने, मैंने आपसे कहा है कि आरएसएस चाहता है कि विश्वविद्यालयों का भगवाकरण हो जाए, और भगवाकरण करने के लिए लोगों को यहाँ पर बैठाया गया है। और अगर छात्रों को अपनी कठपुतली बनानी चाहती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, तो इस तरीके की उसकी राजनीतिक द्वेष की मंशा कतई बर्दाश्त नहीं। अच्छा, विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों इस बात की सहमति नहीं दे रहा है, तो क्या उस ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा भी कोई भी हम लोगों को पत्र नहीं प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने कहा हो कि कार्यक्रम पे किसी भी तरीके की उनको आपत्ति हो। रही विश्वविद्यालय प्रशासन की बात, तो कार्यक्रम छात्र संघ भवन पे हो रहा है, और छात्र संघ भवन पे कार्यक्रम करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत होती है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई रोल नहीं होता है। अगर कैंपस के भीतर कहीं हो रहा होता, सिनेट हॉल में हो रहा होता, तो विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती। लेकिन हम इसमें एक बात और भी कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे साल भर आरएसएस और भाजपा के कार्यक्रमों को परिसर के मुख्य सिनेट हॉल में कराता है, और छात्र संघ भवन पे अगर समाजवादी विचारधारा के लोग अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसको भी राजनीतिक द्वेष की मंशा से ये लोग रोकना चाहते हैं, क्योंकि सपा और बसपा के गठबंधन से कहीं ना कहीं जब मोदी जी डरे हुए हैं तो योगी जी की भी हालत खराब है, और वो जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी छात्रों के बीच में आ गए तो छात्रों का जो नाराजगी है उनके प्रति वो कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में वोट की संख्या में निकलेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने छात्रों से वादा किया है कि कल वो छात्रों से बात करेंगे। अच्छा, आपने योगी जी को रोका था एक बार आने के लिए, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पे ना घुसे, ऐसे में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या लगता नहीं कि माहौल गर्माएगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, और वो अपने सांप्रदायिक भाषणों के लिए और अपने सांप्रदायिक द्वेष के लिए जाने जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। तो हम लोगों का सांप्रदायिकता के खिलाफ केवल जो है उस समय भी विरोध था, और साथ ही साथ उस समय मैं
पहली महिला अध्यक्ष हुई थी और एबीवीपी उस वक्त भी महिला अध्यक्ष को बाईपास करके कार्यक्रम करना चाहती थी और इस वक्त भी अध्यक्ष को बाईपास करके वो कार्यक्रम को रुकवाना चाहती है। तो हम लोगों का स्पष्ट ये कहना है कि हम लोकतांत्रिक विचारों में और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। 2014 में आप पहली महिला अध्यक्ष को बाईपास नहीं कर पाए थे और अब भी आप एक दूसरे अध्यक्ष को बाईपास नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए। ऋचा सिंह, समाचार। कल जो अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है, वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, बताया जा रहा है टकराव की स्थिति है, ऐसे में छात्र कुछ अनशन पर भी बैठे हैं, क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम होगा या कुछ कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, ये जो छात्र संघ का कार्यक्रम है और जो मुख्य अतिथि हैं मामलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी, कार्यक्रम तय है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। नौजवान उनके स्वागत के लिए गर्मजोशी से तैयार है और पूरी तैयारी के साथ पूरा यहाँ भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला हर एक छात्र, नौजवान और समाजवादी छात्र सभा तैयार है उनकी स्वागत के लिए और जरूर आएंगे, क्योंकि ये जो लोग विरोध में बैठे हुए हैं, जब से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है तब से इनके अंदर बौखलाहट चालू हो गई है कि किस तरीके से अखिलेश यादव हमेशा नौजवानों छात्रों के लिए खड़े रहे हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़े हैं और आम छात्र उनके स्वागत के लिए पहली बार आ रहे हैं, इसलिए पूरे गर्मजोशी के साथ और उनके हौसले बुलंद हैं और आएंगे जरूर। इसमें ये जो लोग आंसन कुछ लोग कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, पूरा छात्र महात्मा उनके स्वागत के लिए तैयार है। हरी से अविनाश विद्यार्थी, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।